अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को नैफटेक बैच 3 फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, ये वही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि सर सैयद ने अपना एक फॉर्म दिया है, ठीक है, तो आप इसको भी जाके फिल कर लीजिए। अगर आप यहाँ से करते हैं तो बेहतर है, अगर आपने वहाँ से अप्लाई कर लिया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं और सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी वालों ने अपना लिंक दिया है नैफटेक बैच 3, तो आप यहाँ पर भी जाके अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको फिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही आसान फॉर्म है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस तरीके से नैफटेक का फॉर्म था। यहाँ लिखा हुआ है अटेंड फ्री कोर्सेज एट सर सैयद यूनिवर्सिटी, ठीक है, अंडर PM प्रोग्राम, ये वही है, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करें तो उसको आप देख लें, उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज, जैसे कि अगर मैं सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई करता हूँ, तो मुझे इसकी थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। नो हाउ होने से बात ये, इस फील्ड में आप जा रहे हैं, उसको नॉलेज है क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और जो जितने भी आपका डाटा है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। और इसमें बोल रहे हैं कि आप यूज़ जीमेल अकाउंट फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म। आपने अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करना है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। यहाँ पर मेरी जीमेल दी हुई है और आप चाहें यहाँ पर स्विच भी कर सकते हैं। अब चलते हैं कोर्सेज, तो कोर्स आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कमोबेश 11 कोर्सेज इन्होंने दिए सारे। मुझे नहीं पता है कि ये सारे कोर्सेज हैं ये नैफटेक वाले फॉर्म में थे या नहीं थे, ठीक है। तो वो आप सर्च कर लीजिएगा, देखिए इसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफिंग, IoT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गेम डेवलपमेंट, नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, एडवांस पाइथन, ब्लॉकचेन, एडवांस सर्वर, 3D एनिमेशन। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इसमें सब एक में अप्लाई कर लें और अप्लाई करने के बाद आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं किसी और कोर्स में। तो फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहले सिंपल है, मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा, मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा एंड में। सबमिट करते वक्त तो इसमें हम अपना नेम लिखेंगे, इसमें आप अपना फादर नेम, दैन इसमें अपना मदर नेम, दैन CNIC नंबर अपना, दैन डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप अपनी, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे आप अपना। यहाँ लिखा हुआ है +92, तो आपने ऐसे ही डालना है स्टार्टिंग में +92 दैन 33, ओके, ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना। उसके अलावा फादर ब्रदर कॉन्टैक्ट नंबर, या अपना आपके भाई है फादर में से किसका भी नंबर आप डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आप डालिएगा अपना, भाई का व्हाट्सअप नंबर नहीं डालिएगा यहाँ पे, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाला है तो वही व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। आप अपना एड्रेस डाल लें जहाँ पर रहते हैं, एड्रेस जहाँ पर रह रहे हैं, अपनी ईमेल एड्रेस जिससे आपने लॉगिन की है वही ईमेल आप डालिएगा, ताकि आपको उस ईमेल पे नोटिफिकेशन या ईमेल आए। आपकी एजुकेशन क्या है, देखिए एजुकेशन भी मैं लास्ट टाइम कहता था कि आप जो लास्ट डिग्री ले चुके हैं वो आएगी, ये नहीं जो आप कर रहे हैं। लास्ट सपोज मैंने लास्ट इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो मैं इंटरमीडिएट पर टिक करूँगा, और बैचलर्स में चल रहा है अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपने चीज़ का ख्याल रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपने डालना चाहें डाल लें, और अगर आप अदर्स करना चाहते हैं तो आपने अदर्स में मैंशन करना होगा, या अगर आपको समझ में नहीं आना तो यहाँ पे आप डाल लें अदर्स में नथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं नथिंग। उसके अलावा अगर आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं है, तो आप अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो। जैसे आप सेपरेट पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ सेपरेट पर क्लिक किया तो देखें फॉर्म सबमिट हो चुका है और वो मुझे अपने फ्रंट पेज पर ले गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि नैफटेक के बैच में आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने तरफ से एक फॉर्म अनाउंस करती हैं, तो बेहतर यही है कि आप उसमें भी जाके अप्लाई कर दें, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, काइंडली वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।